से होगा नहीं लिखवा से होगा भाई। मोटो ने मुझे परेशान करा, मैं उसको मार मुड़ दूंगा। अबे चिपची पीछे चकल के यहाँ से पबजी में बंदा मारा तूने जो उसको मारेगा। क्या भाई मेरी बेइज्जती करते रहते हो यार। अबे यार थोड़ा रिलैक्स भाभी। ओ तुझे चाहते हैं बेइम्तिहा, मगर सच कहें तो अच्छे से चाहना भी नहीं आता। ये कैसी मोहब्बत है ना जाने हमें तुमसे, कि खुल के बताना भी नहीं आता। वाह क्या बात है, क्या बात है, मगर भैया बताना पड़ेगा वरना तेरी दुल्हनिया ना कोई और ले जाएगा। अबे मैं बच्चों ने ना टूटे खिलौने भी नहीं किसी को देता था, और अपना दिल तोड़ के खिलौने मतलब इसको किसी और को नहीं दूंगा। कमाल कर। लिसन। हाँ जी लिसनाओ, मतलब बताओ। तुम ना अपने सभी दोस्तों को समझा लो। ओए क्या किया तुम इसके साथ बताओ। अरे हमने क्या किया, क्या तुम खुद पूछ रहे हो भा, 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 भाई तुम खुद पूछ रहे हो यार। क्या किया इन्होंने बताना मेरे को। जब भी मैं सुबह क्लास में एंटर करते ना मुझे भाभी आ गई ऐसे बुलाते हैं ये लोग। देखो मैं समझाता हूँ, देखो कॉमन सेंस है, तुम्हारी किसी के साथ शादी तो होगी ना, और किस किसी से भी शादी होगी तो उनका तो भाई जैसे हुआ ना, तो हम इनकी भाभी हुई। क्या बात कर रही है यार, समझो थोड़ा, सोचो दिमाग से। देखो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तुम इन सबको समझा दो कि मुझे भाभी बुलाना बंद करें। अगर ज्यादा ही रिश्ते बनाने का शौक है तो मुझे बहन बुला लिया करें। हमारी बहन आ गई, हमारी बहन आ गई, इट कुड साउंड बेटर देन भाभी। देखो सुनो, मैं तुम्हारा जीजू समझ लूँ, ठीक है? जीजू बुलाया करना। ठीक है ठीक है बहन बोलो। हाँ ठीक है ठीक है बहन जी, जय बहन जी। चलो मेरे सालो, अब मुझे कैंटीन में ले जाओ और फ्रूटी और पैटी खिलाओ। तेरी प्यारी नंदू। देख भाई अगर कल नंद ने मुझे गलती से भी स्माइल पास कर दी ना तो पूरी कैंटीन बुक करके ना सभी क्लास को भंडारे में बैठा दूंगा, खूब पार्टी दूंगा। भाई अब तो तू हर दूसरे दिन पार्टी देने को तैयार रहता है, राज क्या है, पैसे आ कहां से रहे हैं? भाई मैं पैसा ला रहा हूं paytmfirstgames.com से। paytmfirstgames.com ये देख भाई, ये है paytmfirstgames.com, ये ऑल इन वन गेमिंग एप्लीकेशन है। इसमें ना तो खूब पैसा कमा सकता है, इनफैक्ट मैं तो अभी भी इसमें खूब पैसा कमा रहा हूँ। इसमें हर तरह की गेम है, नॉलेज की, स्पोर्ट्स की, म्यूजिक की, इसमें हर तरह की गेम है यार। तेरे को जो भी गेम में इंटरेस्ट है ना तो उसमें खेल, जीत और पैसे कमा। फिर भी कितना पैसा कमा लेंगे इससे? अरे भाई तू रोज इसमें लाखों करोड़ों तक के नाम जीत सकता है, और ये हर हफ्ते ना 3 मोबाइल गिव अवे करते हैं, और साथ में पेटीएम रिचार्ज वाउचर्स भी। वाह भाई बड़ा सही प्लेटफॉर्म है, इसे अभी डाउनलोड करता हूँ। अरे भाई डाउनलोड कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। चला जा घर चलते हैं, मम्मी ने राजमा चावल बनाया आज। वाह वाह यार लंच ब्रेक कब होगी? क्या है तुझे कितनी बार कहा कि घर से आते वक्त 7-8 गोभी मूली के परोठे ठूस कराया कर। अब मैं तेरे को किसने बोला मुझे खाने की भूख है? तो मुझे नंदनी को देखने की भूख है, वो आगे बैठ के रहे पीछे पीछे से बैठे बैठे ना उसके सर के सारे बाल भी खींच चुका हूँ मैं। आज भी जो बच्चे साइंस की नोटबुक लेकर नहीं आए वो आगे आके हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ। देखा सच्चा प्यार करने वाले का भगवान भी साथ देता है। मैं चला। मैम सॉरी वो ना मैं नोटबुक घर पे भूल गया, वो सुबह जल्दी में आ रहा था ना इसलिए भूल गया। हाँ ठीक है मैम, कबूल है कबूल है कबूल है। यार आजा खाना खाते। भाई मैं तुम लोगों के साथ खाना नहीं खाऊंगा। क्यों व्रत रखेगा नंदनी के लिए? अरे बड़ा तुरंत जैसा कुछ नहीं है, आज मैं नंदनी के साथ नंदनी के टिफिन में खाना खाऊंगा। वेट आई विल शो यू ब्रो। मेरे को पता था इतना यम्मी खाना तुम्हें लाई होगी। ओ मेरे को तेरा फेवरेट चीज़ है, क्या आज मैं तेरे लंच बॉक्स में से खाना खा सकता हूँ? एक्चुअली मैं आज लंच बॉक्स लाना भूल गया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। प्लीज़ यार मैं तेरे लंच बॉक्स में से खाना खा लूँ प्लीज़? ठीक है ले जाओ। नहीं लेके नहीं जाना, मैं यहीं पे तेरे साथ बैठ के खा लूँगा। एक्चुअली मेरे दोस्तों में भूख खड़ के समझे तो भूखे हैं जन्मों जन्मों से, सारा खाना खा जाएंगे, और मैं चाहता नहीं कि इस चीफन को कोई और खाए, मतलब मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता इसको, मैं यहीं पर खा के चला जाऊँगा। क्या होगा क्या होगा, इधर क्या देख रहे हो? अपने अपने लंच बॉक्स में ध्यान दो, वहाँ मक्खियाँ बैठनी शुरू हो रही हैं। लिसन बी इन योर लिमिट्स,
ठीक है, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल यू थिंक, बट आई एम टाइप ऑफ बॉय व्हिच यू थिंक इन योर ड्रीम्स। क्या आई लाइक इट यार, जो सुन के भी ना सुनने की एक्टिंग करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। आने दे थोड़ी हवा आने दे। क्या भाई, मैंने सुना टेंथी वाली नंदनी बहुत पसंद है तेरे को। आपका तेरा जिज्जू और आज से नंदनी तेरी बहन, और बहन को बहन की नजर से देखा जाता है, बहन के भाई। अबे गुंडा कर दी का जी भी यूज नहीं किया अभी हमने, तो बोल दिया है ना नंदनी तेरी बहन यानी कि दीदी। यार की हाँ, तू कब तक बस साइड लवर बनके घूमता रहेगा, जा जाके उसे प्रपोज कर और अपनी लव स्टोरी को स्टार्ट कर। अब यार बहुत हिम्मत करता हूँ कि जाके उसको बता दूँ कि हाउ मच आई लव यू, लेकिन साला जब भी उसको प्रपोज करने का सोचता हूँ ना हिम्मत से जवाब दे जाती है यार, पता नहीं बोरो बेटा भी टाइम पे मेरा। भाई वो लड़की बिल्कुल क्लीन है। क्लीन का मतलब क्या हुआ है? अरे यार मतलब कि आज तक उस लड़की का किसी के साथ अफेयर नहीं हुआ, वो नेहती शरीफ है जैसी तुझको चाहिए। बिल्कुल ठीक यार, तुम लोग ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अब बहुत हो गया यार, मुझे ना उसे बता देना चाहिए कि यार मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक्स फॉर द मोटिवेशन, अब मैं कल जाता हूँ और उसे प्रपोज कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई लोग, तैयारी करते हैं। मम्मी जिस स्कूल में तुमने हमें पढ़ने के लिए भेजा ना, इसी स्कूल से तुम्हारे लिए बहू लेके आएंगे हम, देख लेना बस आती होगी, इंतजार कर रहे हैं उसका। लो मम्मी आ गई है, देखो ए सुनो, कितना हसीन चेहरा है तुम्हारा, हर लड़का दीवाना है तुम्हारा। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं चांद का टुकड़ा, तुमने नुसाला को बोला ओ चांद टुकड़ा है तुम्हारा, सही बोले ना। तुम मेरे हाथ की वाहवाही चाहते हो या फिर मेरे हाथ? तुम्हारे हाथ से तो सेम टू सेम मेरे हाथ से मिलती है, हाउ इंटरेस्टिंग। देखो जो ये सब कुछ तुम कर रहे हो ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। क्या क्या बोली तुम, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी? हाँ जी। तुम्हें मुझ में कहाँ इंटरेस्टिंग पाने की कमी लग रही है, मेरा कतरे कतरे में इंटरेस्ट यू तोड़ता है भाई। तुम ना क्या, मैं ना इंटरेस्ट? अरे लिसन, देखो बचपन में कब तक रहोगी, बाहर निकल जाओ, बी मैच्योर। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ दैट आई लव यू सो मच, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच में बहुत फीलिंग्स हैं नंदनी, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। जब मैंने भी तुमको बोल दिया दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, इट मींस मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, सो यू आल्सो हैव टू थिंक अबाउट इट। देखो देखो नंदनी, मैं रिक्की को रिंकिया का पापा नहीं जिसका कोई भी मजाक बना के चला जाएगा। तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट करके ठीक नहीं कर रही हो, खाम खा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी। जाट की छोरी सुन, नू ना डरती किसे तक। ठीक है लेकिन मैं तो डरता हूँ ना इस दिल के टूटने से। देखो एक अच्छे लाइफ पार्टनर की सबको जरूरत होती है, और अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ स्कूल का बच्चा बच्चा तुम्हें सलाम ठोके जाएगा, हे नंदनी, हाय नंदनी, गुड मॉर्निंग नंदनी जी, गुड आफ्टरनून नंदनी जी, सच में बोल रहा हूँ, हर कोई ना तुम्हें प्रिंसिपल की बेटी जैसे ट्रीट करेगा। जब एक बार बोल दिए दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, नहीं समझ आता, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में जाके तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, दूर रहो मुझसे। अबे यार बस करो। और क्या हुआ, क्या क्या बोली वो? बोलूंगा तो अब मैं, अब मुझे गुस्सा और प्यार दोनों ही बहुत जोर से आ रहा है। में चलने का वादा किया और ऑर्गेनाइजर और अमिताभ बच्चन एयरपोर्ट के लिए निकल लिए। एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पहुंचकर पता चला कि रफी साहब तो ऑलरेडी प्लेन में बैठ चुके हैं और थोड़ी देर बाद अरे भाई पेटीएम फर्स्ट गेम पे लगा रहेगा क्या? अरे भाई गेम खेल के पैसा कमा रहा हूं यार। पैसे बाद में कमा लियो, पहले स्पीकर वाले को कॉल कर, अभी तक आया नहीं है वो। किया था भाई, आता ही होगा। मेरे अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जल्दी बुलाओ उसको। ऑर्गेनाइजर पसीने से तरबतर हो गया, फिर भी अमिताभ बच्चन ने उसे हौसला बढ़ाते हुए कहा कोशिश जारी रहनी चाहिए। एयरपोर्ट मैनेजर से
नंदनी, ओ मेरी प्यारी नंदू, कल तुमने मुझे क्या बोला था? दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी। तो मैंने सोचा, और नंदनी ये बाहर शोर किस चीज का आ रहा है? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग बुआ लगने लगूं? तो मैंने सोचा, साला हमने प्रपोज ही गलत किया तुमको, हमें प्रपोज ही फुल फिल्मी स्टाइल में करना चाहिए तुमको। तो आज हम खड़े हैं तुम्हारे घर के आवाज अपनी आवाज लेकर। तो पहले मेरा दिल तुम्हें कुछ कहना चाहता है, उसकी सुन लो। ये दिल बोलता है कि लोग आते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन हम तुम्हारे लिए लड़ने आते थे। पिछले 10 सालों में तुम्हारे आसपास किसी लड़के को क्या, किसी अनजान लड़की को भी भटकने नहीं दिया, और तुम हमको क्या बोल गई? दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी। और अब मेरी आंखें कुछ कहना चाहती हैं। मेरी आंखें तो नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड में है, तुम्हें पहले पीरियड से लेके अंत वाले पीरियड तक देखती थकती ही नहीं, और तुम हमको क्या बोलगी? दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी। और मेरे कान, हाय हाय हाय, बेचारे इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये अरसों से तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गए, लेकिन तुमने इनको क्या सुनाया? दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी। तो मैं तुम्हें इतना बोलना चाहता हूँ कि तुम इन सब पे तरस खा के मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें सबके सामने बोलता हूँ दैट आई लव यू सो मच। मेरे को नहीं लगता इतना इंटरेस्टिंग प्रपोज किसी ने किसी को आज तक किया होगा। एंड आई प्रोमिस यू, मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दूंगा। वंस अगेन आई लव यू सो मच नंदू, योर इंटरेस्टिंग बॉय विकी। नंदनी कौन है ये रिकी? नंदनी की माँ को जब सब पता चला तो उसने स्कूल में पहुंचकर क्या हंगामा किया, ये देखना दिलचस्प रहेगा एपिसोड 2 में। हे गाइस, आई होप आपको इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस सीरीज का जो सेकंड एपिसोड है ना, जो अभी आने वाला है, वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमेडी है। वो पर्सनली मेरा फेवरेट एपिसोड है पूरी सीरीज में से। तो अगर आप उसको देखने के लिए एक्साइटेड हो, सेकंड एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप उसका कितना वेट कर रहे हो, ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ। और इस वाले एपिसोड को आप खूब दबा के शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जितना भी आपका सर्कल है, जितने आपके स्कूल फ्रेंड्स थे पुराने टाइम में, सभी के साथ उसको शेयर करो। और गाइस, paytmfirstgames.com को डाउनलोड कर लो, बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है। इस पे ना आप अपनी पसंद की गेम्स खेल के खूब सारे पैसे जी सकते हो, और ये ना हर हफ्ते 3 मोबाइल गिव अवे करते हैं, साथ में पेटीएम रिचार्ज वाउचर्स भी। और अगर आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से डाउनलोड करोगे ना, तो आपको 10 रुपए का पेटीएम अभी मिलेगा। जाओ वहां से जाकर डाउनलोड कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड बहुत फाड़ होने वाला।